जाती है, जिसमें शिवलिंग का स्थापना किया जाता है, जो दुनिया में जितने भी ऊर्जा है, दुनिया के अंदर की ऊर्जा या फिर बाहर की ऊर्जा है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। मानव को किसी भी चीज में बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए उन्हें सिंबल की जरूरत होती है, और ये लिंग उसी सिंबल को दर्शाता है। तो लिंग का मतलब सिंबल होता है। जैसे उदाहरण तौर पे कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को वर्दी में देखते हो तो आप जान जाते हो कि वो पुलिस है। उसी तरह किसी भी मंदिर में आप लिंग को देखते हो तो आप उसे भगवान मानते हो, उनकी पूजा करते हो, उन्हें बिलीव करते हो। आपको बताया जाता है कि भगवान हर जगह है, पर आपको इन बातों पर बिलीव नहीं होता। पर आप अगर सामने से अगर किसी भी लिंग को या फिर किसी भी गॉड के फोटो को देखते हो या फिर मूर्ति को देखते हो तो आप उसमें बिलीव करते हो। तो इसी बात को बिलीव करने के लिए लिंग को बनाया गया, जिसमें लोग बिलीव करें। तो ये सिंबल जिसे हम लिंग कहते हैं, इसके पास भी एक वैज्ञानिक उदाहरण है जिसको ये डिस्क्राइब कर सकता है कि लोग इसकी पूजा क्यों करते हैं, इसके अंदर क्या वैज्ञानिक तथ्य है जिसे हम माने और इसमें बिलीव करें। शिवलिंग को 3 भागों में बांटा जाता है। जो सबसे नीचे का भाग होता है उसे 4 साइड होते हैं, जो धरती के अंदर होता है, और जो मिडिल वाला भाग होता है उसके 8 साइड्स होते हैं, जो बीच में होता है।